नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे कश्मीरी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की मदद से अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबान ने अब इमरान खान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी अधिकारियों में अब अफगान में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है, वो भी तब जब तालिबानी आतंकी अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद देश में स्थिरता लाने में जुटे हैं। इस खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अपने शीर्ष सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को अफगानिस्तान भेजने जा रहा है ताकि तालिबान की सेना का फिर से निर्माण किया जा सके। पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नजर आ रहा है, जो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहा है। टीटीपी के सदस्य अफगानिस्तान की सीमा पार करके पाकिस्तान में घुसते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके फरार हो जाते हैं। पिछले दो दशकों में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी इन हमलों में मारे गए हैं। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि अगले 2 से 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इमरान सरकार को डर सता रहा है कि अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार से लैस टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर भीषण हमला कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान को उनकी सेना को फिर से संगठित करने में मदद कर रहा है ताकि वे अपने क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित कर सके। अमेरिकी अधिकारी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सत्ता में आए तालिबान की मदद कर रहा है। उधर पाकिस्तान का दावा है कि उसका अब तालिबान पर प्रभाव खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान की पूरी सरकार का फैसला क्वेटा से शुरू हो रहा है। अफगानिस्तान के कई नेता इन दिनों अफगान सरकार में जगह हासिल करने के लिए पाकिस्तान में डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा फैसलों से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान अपने शीर्ष सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को अफगानिस्तान भेज रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी अफगानिस्तान जा सकते हैं। तालिबान ने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्ला सोलह भी लगातार हमला बोलते रहे। उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में जिहादी अफगानिस्तान में भेजे हैं। हालात क्या होंगे आने वाले समय में ये तो तय वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का डर सामने आया है उससे ये साफ तौर पर समझा जाता है कि इसीलिए वो अपने ISI चीफ और अपने जो टॉप सेना कमांडर्स हैं उन्हें अफगानिस्तान भेज रहा है ताकि तालिबानी सेना को रिस्ट्रक्चर किया जा सके। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।